अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड साइंस ग्रेड 5 के यूनिट नंबर 8 स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो चलिए चलते हैं। सो चिल्ड्रन, टेक आउट पेज नंबर 74 ऑफ योर साइंस बुक। द टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर सप्लाई टू आवर हाउस होल्डर्स डन फ्रॉम वाटर सोर्सेज सच एज रिवर्स और बोर वेल्स। सोर्सेज ऑफ वाटर कैन बी सर्फेस वाटर और ग्राउंड वाटर। Rain is the main source of water. Rainwater is the purest form of natural water. When the water vapors present in the air condense, it rains. पानी जो हमारे घर में आता है, आप सबको पता है, वो या तो दरियाओं से आ रहा है या कुओं से, जो हमने बहुत नीचे जो है वो बोर किए हुए हैं। मोटर जो होती है, हम लोग वो बहुत नीचे तक जो है वो बोर करते हैं, वहाँ से पानी जो है ज़मीन का पानी हमारे तक दस्तयाब होता है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पानी के दो तरह के सोर्सेज हो सकते हैं, या तो वो सरफेस वाटर लेंगे हम, या हम ग्राउंड वाटर लेंगे। पानी का सबसे बड़ा ज़रिया कि पानी जो है वो ख़त्म क्यों नहीं होता, हम यू कह सकते हैं कि एक बार हम इस्तेमाल करते जाएं तो ज़मीन का पानी ख़त्म क्यों नहीं होता, तो वो बारिश की वजह से, रेन। बारिश जब होती है तो ग्राउंड लेवल दोबारा इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह उन्होंने कहा है कि यही वाटर वेपर्स, जो वाटर वेपर्स पानी से निकलते हैं, जो आबी बुखारात निकलते हैं, वो आसमान में जाकर जब कंडेंस होते हैं तो कंडेंस होकर वो बारिश बरसाते हैं। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर टर्न्स इनटू अ स्टीम। कुछ बारिश का पानी जो है वो नदी में बह चला जाता है। अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स इनटू अ सरफेस इनटू अ स्ट्रीम एंड रिवर्स। द रिमेनिंग सीप्स थ्रू द सॉइल इनटू द नॉन पोरस रॉक्स बीनीथ। जो हमारे पास बारिश होती है, उसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा पानी हमारे लिए दस्तयाब होता है। जब बारिश होती है, उसमें से कुछ पानी जो है वो बुखारात की शक्ल में उड़ जाता है, कुछ पानी जो है वो नदी नालों में चला जाता है, और जो कुछ बाकी का पानी है वो हमारी ज़मीन की सतह के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी सॉइल में। पीपल इन द विलेजेस ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स, ट्यूब वेल्स, रिवर, पॉन्ड्स एटसेट्रा। व्हाइल इन सिटीज पीपल मोस्टली गेट इट फ्रॉम द टैप। गाँव में लोग, जैसे कि आप सब जानते हैं, ज़्यादातर पानी कहाँ से लेते हैं, कुओं से, दरियाओं से या चश्मों से, जबकि शहरों में हम पानी कहाँ से लेते हैं, नल से। हमारे पास यहाँ अर्बन एरियाज़ में, शहरी ज़िंदगी में चश्मे जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते। वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम सम नियर बाई वाटर सोर्स सच एज रिवर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप एंड कैरेट टू द टैप्स। रेन वाटर स्प्रेड नेचुरली टू फॉर्म स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक, इट इज़ कॉल्ड सर्फेस वाटर। हमारे घरों तक जो पानी आता है नल से, वो हम क्या करते हैं, दरियाओं के साथ हमने डिफरेंट पाइपलाइन लगाई हुई है जो उस पानी को खींच कर हमारे घरों तक लेकर आती है। बारिश का पानी हमारे लिए कुदरती तौर पर नदियाँ, दरियाओं और चश्मे बना देता है। इट इज़ कॉल्ड सर्फेस वाटर। जो ये बारिश का पानी हमारे लिए जो पानी का सोर्स बना रहा है, उसको हम सर्फेस वाटर कहते हैं। ग्राउंड वाटर जो पहले से ज़मीन के अंदर जो रेन की वजह से जो है वो सीप कर हो रहा है, सीप थ्रू जा रहा है, ज़मीन के अंदर जज्ब हो रहा है, वो ग्राउंड वाटर होगा। जबकि सरफेस वाटर वो है जो बारिश के पानी से नदियाँ, दरिया और कोई चश्मा बनता है। मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड माउंटेन्स ऑल्सो ऐड टू द सरफेस वाटर। द वाटर फ्लोइंग डाउन द हिल ऑल्सो गोज इन टू द रिवर। जब हमारी स्नो जो है, बर्फ़ जो है माउंटेन्स के ऊपर वो पिघलती है, वो भी क्या करती है, हमारे सरफेस वाटर को इंक्रीज करती है, सरफेस वाटर में इजाफा होता है। और जो वाटर है वो हिल्स यानी कि चोटियों से बहकर कहाँ पे आता है, दरियाओं में। आप सबको पता है दरिया के किनारों पर बहुत सारी माउंटेन्स, हिल्स प्रेजेंट होती हैं, वहाँ से बहकर वो दोबारा दरिया में आ जाता है। रिवर्स इवेंचुअली फ्लो इन टू द सी। ओशंस एंड सी आर देयरफॉर द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑफ नेचुरल वाटर। यही जो दरिया हैं, ये किस में फ़्लो करके जाते हैं, समुंदर में, और यही समुंदर आगे ओशंस और सीज हमारे लिए बनाते हैं। और ओशंस और सीज जो हैं वो सबसे बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, यानी कि ये लार्ज स्केल पे हैं। इससे आगे इसकी ट्राइब्यूटेरीज हैं, इससे आगे इसके डिफरेंट और उससे छोटी से छोटी से छोटी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि समुंदर, फिर उसके बाद दरिया, फिर हमारे पास लेक्स आ जाती हैं, स्ट्रीम्स आ जाती हैं, ये सब इसकी छोटी छोटी ट्राइब्यूटेरीज होती हैं। नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू। टेक मडी वाटर मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर इन अ बीकर एंड स्टिर इट वेल। आपने क्या करना है, गदला पानी, गंदा पानी, उसको आपने पानी में अच्छी तरह से मिक्स करना है। अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स। द हैवियर सॉइल पार्टिकल्स विल सेटल डाउन एट द बॉटम। फिर आप क्या करें, उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए
अपनी जगह पे स्टिल रहने दें। आप क्या देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो बड़े बड़े मिट्टी के ज़रात हैं वो बीकर की तह पर बैठ जाएंगे। नाउ विदाउट डिस्टर्बिंग इट ड्रेन द टॉप लेयर ऑफ क्लीन वाटर इनटू अनदर बीकर, द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। आप फिर क्या करें, बड़े आराम से जो पानी के नीचे जो तह बैठ गई है मिट्टी की, उसके ऊपर जो पानी है वो आपके लिए साफ पानी है। आप बहुत आराम से उसको उठाएं और उसको दूसरे बीकर में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह आपको साफ पानी मुहैया हो सकता है, जिस तरह आप नीचे डायग्राम में देखें। मिक्सिंग ऑफ मड विद वाटर, उन्होंने मिक्स किया हुआ है। अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए उसको रखा रहने दिया। अब इस बीकर में जो ऊपर की तरफ पानी है वो क्लियर वाटर हो जाएगा और जो नीचे है वो मड सेडिमेंट है, यानी कि मिट्टी के ज़र्रात हैं। नाउ अनदर एक्टिविटी 8.3, टेक अ फनल, मेक अ कोन विद अ सर्कुलर फिल्टर पेपर, प्लेस द कोन इनसाइड द फनल, प्लेस अ फ्लास्क और बीकर बिलो द फनल। आपने क्या करना है, एक फ़नल लेना है। अगर आपके स्कूल में कोई भी केमिस्ट्री लैब है नहीं है तो आप फर्दर इंशाल्लाह जा सकते हैं, या आप अपने टीचर से कह सकते हैं कि वो आपको विज़िट कराएं। एक फ़नल है, फ़नल जिस तरह आप डायग्राम में देखें, एक बीकर है, बीकर के ऊपर एक स्टैंड लगाया हुआ है और स्टैंड के साथ हमने फ़नल रखी हुई है। हम क्या करेंगे, फ़नल के ऊपर एक फ़िल्टर पेपर को रख देंगे। फ़िल्टर पेपर बहुत सारी शेप्स के होते हैं, अमूमन हमारी लैब्स में वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। हम उन्हें कोन की शक्ल में फोल्ड करके फ़नल के ऊपर रखते हैं। Pour the muddy water through the filter paper in the funnel. You will observe that clean water trickles into the beaker and it called filtrate. Soil particles are left behind in the filter paper and they are called residue. आप वही मडी वाटर जो आपने ऊपर बनाया उसको दोबारा शेक करें, इस फिल्टर पेपर जो फनल के ऊपर हमने रखा है उसमें से उसको गुजारें। आप क्या देखेंगे कि जो साफ पानी है वो बीकर में चला जाएगा और जो मट्टी है वो फनल के ऊपर रह जाएगी। मट्टी को हम रेजिड्यू कहेंगे, जो हमारे पास चीज़ बच जाएगी वो रेजिड्यू है, और जो पास ऑन हो जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट, जैसे जो कि इस सिचुएशन में है पानी। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।